हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में ओवरव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट चैप्टर हम पहुंच गए थे। तो बेसिकली अब अगला टॉपिक है नीड फॉर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की नीड क्या है, हमारी स्टडी बहुत सारी बातें कहती है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली क्या है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर या इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, हमने जैसा कि पहले सेशंस में बोला कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों है, इसलिए है क्योंकि ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्रिटिकल हो गई है। नीचे के सारे सिस्टम ऑटोमेट होते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे और होते चले जाएंगे। धीरे के धीरे जो नीचे के रिपिटेटिव जॉब्स हैं, जो बोरिंग जॉब्स हैं, जो जिन्हें सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकता है, वो सारे ऑटोमेट होते चले जा रहे हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव होते चले जा रहे हैं। जहाँ पर ऑटोमेशन कॉस्ट इफेक्टिव होते जा रहा है, वो ह्यूमन बींग को रिप्लेस करता चला जा रहा है। और ह्यूमन बींग को रिप्लेस करने से क्या हो रहा है, वहाँ पर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी बढ़ रही है। मशीन छुट्टी नहीं लेती, मशीन सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए नहीं कहती है, मशीन जो होती है फ्रॉड नहीं करती, मशीन एरर नहीं करती, मशीन पॉलिटिक्स नहीं करती है, क्रिएट करती है कंपनी के अंदर। मशीन फास्ट होती है, मशीन एफिशिएंट होती है, मशीन को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, मशीन का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है, अपना एजेंडा नहीं होता है। मशीन को ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसके साथ कॉन्स्टेंटली वो किया जा सकता है, आपको अलाइन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मशीन को आप जब भी चाहोगे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकते हो, लेकिन एम्प्लॉई को आप ऑर्गेनाइजेशन से निकालोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अपने गोल्स से अलग बना करना स्टार्ट कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि भाई जब प्रॉफिटेबल हो तब तक रहो, जब प्रॉफिटेबल नहीं हो तो चले जाओ, लेकिन उसका अपना एजेंडा होता है, आदमी का अपना एजेंडा होता है, एम्प्लॉई का अपना एजेंडा होता है। तो नीचे जो छोटे मोटे जॉब्स हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेट होते जा रहे हैं और डे बाई डे वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड्स आते जा रहे हैं और उसको कंट्रोल्स करने के लिए सेंसर्स हैं। सेंसर्स डेटा देते हैं और उस डेटा से डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं और चीज़ें करते हैं, ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर डेटा जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और उसी से फिर ह्यूमन बीइंग, जो टॉप लेवल में ह्यूमन बीइंग बैठा है, टॉप लेवल में जो एम्प्लॉय बैठा है, उसको कंट्रोल करता है, उस इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने लगता है। अब डेटा बढ़ता चला जा रहा है और कई ऑर्गेनाइजेशन तो डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट्सएप जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये प्योरली डेटा, इनका डेटा ही ऑर्गेनाइजेशन जो है डेटा है। वहाँ पर फेसबुक में क्या है, डेटा ही तो है, डेटा के अलावा कुछ नहीं है। डेटा गायब, एक दिन फेसबुक का सेंटर गायब तो जो फेसबुक गायब। तो बेसिकली डेटा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है और डेटा के पीछे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के पीछे हार्डवेयर या कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पीछे आईटी कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ होती हैं और ये सारा सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें इसके ऑडिट के लिए बड़ी नई टाइप की ऑडिटिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। तो चूंकि उस मेथोडोलॉजी में पुराना ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं होता है, तो आईएएस ऑडिट्स क्रिएट किए गए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्रिएट किए गए। और दूसरी बात यह, डेटा वैल्यूएबल होता चला जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की नीचे की प्रोसेस ऑटोमेट होती चली जा रही हैं और डेटा दिन प्रतिदिन वैल्यूएबल होता जा रहा है और होता चले जाएगा। तो जो वैल्यूएबल एसेट है उसको आपको कंट्रोल करना है, वैल्यूएबल एसेट है उसे संभाल के रखना है, उसको यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, एक स्पेशलाइज्ड ऑडिटर इसी वजह से आया है क्योंकि आज की डेट में क्या है कि डेटा ही उस इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। मतलब और कई ऑर्गेनाइजेशन तो डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आ गया है। तो आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो पहले क्या होता था कि बिज़नेस इनेबलर था, यानी बिज़नेस को इनेबल करता था, आज वो बिज़नेस ड्राइवर है और कई ऑर्गेनाइजेशन में तो बिज़नेस ही वो है। फेसबुक, गूगल, इन ये वर्ल्ड की वन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर क्या है, कोड्स ही तो हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो हैं वहाँ पर जो बिज़नेस है वो आईटी है और कुछ और नहीं है। आईटी रिलेटेड सर्विस, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, यही चीज़ें हैं वहाँ पर। या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड सर्विसेज है, जैसे कॉल सेंटर है,
वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, इनेबल्ड के है, क्योंकि आईटी के बिना वो इनेबल हो ही नहीं सकता। कॉल सेंटर दू कहाँ अमेरिका, कहाँ इंडिया, कहाँ इंडिया में रात को बंदे बैठते हैं वॉइस से बात करते हैं, तो वो हो ही नहीं सकता। तो अब बेसिकली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अमेरिकन लोगों को एक चीपेस्ट कॉस्ट में। HDFC अपना एक कॉल सेंटर क्रिएट कर देता है, यहाँ पर लोग बैठे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं वहाँ के कस्टमर को, वहाँ का डेटा यहाँ पर आ रहा होता है, यहाँ पर लड़का और लड़की कॉल सेंटर में बैठे होते हैं और कस्टमर की क्वेरीज़ को जवाब दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो जवाब देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ही जा रहे होते हैं, डेटा ही जा रहा होता है। बेसिकली क्या है डेटा, क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ही तो है, डेटा इन ट्रांजिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ही है। इलेक्ट्रॉनिक पल्सेज हैं, या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेज हैं, 0101 है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेज को हम 0-1 के टर्म्स में देख सकते हैं, पल्सेज है तो 1 है, पल्सेज नहीं है तो 0 है। पल्सेज इलेक्ट्रॉनिक हायर वोल्ट है 220 से 240 तो 1 है, और लोअर वोल्ट है 12 से 14 वोल्ट है तो उसको हम 0 मान सकते हैं। तो 0101 कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिट हो रहा है, और क्या कहते हैं डेटा ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली, और उसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और उसके लिए एक इंफॉर्मेशन, एक स्पेशलाइज्ड ऑडिट चाहिए, वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि भाई नीड क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का, तो वो कहती है कि कंप्यूटर का प्रोफाउंड इफेक्ट आया है नेचर और मैनर दोनों में, जिसमें कि बिजनेस हम क्रिएट करते हैं, सर्विस करते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सर्विस लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरर हैं, एग्रीकल्चरल हैं। सर्विस सेक्टर में तो कंप्यूटर्स ने प्रोफाउंड इफेक्ट किया है, और कई सर्विसेज तो कंप्यूटर्स की वजह से, आईटी की वजह से, और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी आईटी लग गई। आज की डेट में क्या है कि एग्रीकल्चर तो आईटी जो आपका कई कंपनीज़ हैं वो ई चौपाल क्रिएट करती हैं, ताकि वहाँ उनको पता चल जाए उनका प्रोड्यूस कितने में बिक रहा है। तो वहाँ पर भी आईटी इफेक्ट कर रही है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी आईटी इफेक्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में मैसिवली कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में तो रोबोटाइजेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, और वहाँ पर क्या है डेटा चर्न आउट हो रहा है, और वो डेटा को, डेटा से उस इकोनॉमिक सिस्टम को लोग मैनेज कर रहे हैं, उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर ने सिस्टम ही बदल दिया, पैराडाइम ही चेंज कर दिया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स को इंटीग्रेट करती है, और आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जो है इंटीग्रेट करती है। तो उसने बिजनेस करने का मेथड ही बदल दिया, रिवोल्यूशनराइज कर दिया, एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मॉडल चेंज हो गया, सर्विसेज का मॉडल चेंज हो गया। जैसे मारुति कंपनी और मिंडा कॉरपोरेशन का मैंने एग्जांपल लेता हूँ। मारुति कंपनी क्या है कि जहाँ जैसे ही उसको मालूम पड़ा उसके एक्सल या टायर्स या जो भी उसके सपोज स्टेयरिंग्स अगर उसके ख़त्म हो गए, तो जो उसकी एंसिलरी यूनिट्स हैं, जो उसकी वेंडर्स हैं, उसको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मारुति को कोई इतने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, और वो फटाफट उसे भेज देते हैं। तो मॉडल ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स बढ़ गया है, चेंज हो गया है, सर्विसेज का डिलीवरी मॉडल चेंज हो गया है। पहले क्या होता है, सर्विसेज आप HDFC बैंक का अगर आपको पूछना होता है, अगर आपने अकाउंट्स के बारे में HDFC बैंक या HSBC बैंक में होता है, तो अमेरिका में लोग बैंक में जाते थे, फिर धीरे धीरे टेलीकॉलिंग सर्विसेज स्टार्ट हुई। आज की डेट में क्या आउटसोर्सिंग है, इंडिया में बंदा बैठा वहाँ के लोगों को सर्विसेज देता है। तो सर्विसेज का डिलीवरी, मेथड ऑफ डिलीवरी और मॉडल ऑफ बिजनेस, सारी चीज़ चेंज हो गया है। तो आईटी केवल टूल नहीं रह गया बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, बल्कि एक बिजनेस ड्राइवर के लिए, बिजनेस ड्राइवर में कन्वर्ट हो गया, बिजनेस इनेबलर से बिजनेस ड्राइवर में कन्वर्ट हो गया, और बिजनेस के सर्वाइवल और सक्सेस आईटी पर डिपेंडेंट होता चला गया है। इवन छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिटरमाइन कर रहे हैं। मतलब कई बार तो क्या होता है कि छोटे ऑर्गेनाइजेशंस आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटी के साथ आईटी को यूज़ करते हुए मैसिवली कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कई बिलियन डॉलर्स कंपनी एक छोटे से डोमेट्री से शुरू हो रही है, जैसे फेसबुक है आपकी, गूगल है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट है, छोटी डोमेट्री से शुरू हो रही है, एक आध दो लोग नए स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिनोमिनल ग्रोथ है टेक्नोलॉजी की यूज़ में, और कस्टमर और स्टेक होल्डर्स जो हैं
वो उनको बेनिफिट समझ में आने लगा है कंप्यूटर्स का, जो कंपनीज हैं उनको समझ में आने लगा है, इंडिविजुअल्स को उनको समझ में आने लगा है, और धीरे धीरे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंस है बढ़ती चली जा रही है, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें डिपेंडेंस बढ़ती चली जा रही है, बल्कि डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑटोमेट हो जा रही हैं, और चूंकि वो ऑटोमेट हो जा रही हैं तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, आईटी कंट्रोल कर रहा है। फाइनली अगर एक आपने एक बड़ा सा क्रेन बना रखी है और क्रेन एक पर्टिकुलर काम कर रही है, या आपका फैक्ट्री शॉप है वहाँ पर कार बन रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एलन मस्क ने टेस्ला नाम की कंपनी बनाई है और एक मॉडल निकाला है, नया मॉडल निकाला है, मॉडल एस करके निकाला है, मॉडल एस कार निकाली है, वो कार जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चलती है, प्योरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चलती है, तो वो कार जो बन रही है वो जो फ्लोर है कंपनी का जहाँ पर वो कार बन रही है वो टोटल रोबोट्स बना रहे हैं, और रोबोट्स को मशीन से कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली आती जाती है, वो कंप्यूटर्स वगैरह हैं उसमें आती जाती है और उससे वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, डेटा आता जा रहा है, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, वो डेटा देता जा रहा है और उस डेटा से उस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कंट्रोल करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ इनहेरेंट रिस्क हैं, जैसे आईटी आती है तो कुछ रिस्क आ जाते हैं। अब आईटी आती है तो पहले क्या होता था कि आदमी हर लेवल पर होता था, आदमी काम कर रहा होता था, तो हम आदमी को कंट्रोल करना होता था, आदमी धीरे धीरे काम करता था, आदमी फ्रॉड भी करता था तो धीरे धीरे करता था, आदमी कोई भी चीज़ कम्युनिकेशन करता था तो धीरे धीरे करता था। आज की समय में आदमी हट गया है, सिस्टम्स ओवरटेक कर लिए हैं, और उसके पीछे सेंसर्स हो गए, सेंसर्स के पीछे डेटा हो गया, और डेटा एक छोटी सी जगह में आने लग गया है। अभी अगर ये डेटा कोई चोरी कर ले तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये डेटा कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए, इस डेटा को कोई भी डिलीट कर सकता है, इसकी इंटेग्रिटी वायलेट कर सकता है, और विद इन सेकेंड्स इस डेटा की वैल्यू ख़त्म हो सकती है। तो यानी कि कंपनी को बस्ट करना, अगर उसमें प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, कुछ सेकेंडों का काम हो सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग आपने वायरसेस जिसे वर्म्स कहते हैं वो डाल दिया, प्रोग्राम्स डाल दिए, वायरस या वर्म्स, अब मालूम पड़ा पूरा प्रोग्राम डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हो गया, सब कुछ डिलीट हो गया और बिजनेस ख़त्म हो गया, विद इन सेकेंड्स बिजनेस ख़त्म हो गया। और रिस्क बहुत बढ़ गए, स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिस्क बहुत बढ़ गए। अब मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पर मैनेजमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो नीचे ऑपरेशनल लेवल है, ऑपरेशनल लेवल तो ऑटोमेट होता चला जा रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल क्या था, स्ट्रेटेजिक लेवल क्या डिसीजन लेता था, पहले स्ट्रेटेजिक लेवल ये डिसीजन लेता था, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेता था, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई उसके बारे में डिसीजन किसको लेना है, उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेना पड़ता था, टॉप मैनेजमेंट को लेना पड़ता था, नीचे के मैनेजमेंट तो रूटीन काम करता था। अब नीचे का मैनेजमेंट जो रूटीन काम में आदमी को हटाया जा रहा है, उसे ऑटोमेट किया जा रहा है, और क्योंकि उसे कॉन्स्टेंटली ऑटोमेट किया जा रहा है तो नीचे का मैनेजमेंट तो खत्म होता चला जा रहा है, बच कौन रहा है, ऊपर का मैनेजमेंट रह रहा है। यानी स्ट्रेटेजिक लेवल पर डेटा की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती चली जा रही है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती चली जा रही है और बढ़ती जाएगी। अब जैसे फेसबुक जैसी कंपनी, उसमें 4000 आदमी काम करते हैं, अब $100 बिलियन वो करती है, और जैसे आपकी व्हाट्सएप जैसी कंपनी वो $19 बिलियन में बिकी और 50 लोग काम करते थे, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक थी, ये 50 लोग बहुत वैल्यूएबल लोग थे, ये जनरली जो डिसीजंस लेते थे वो ऑपरेशनल डिसीजंस नहीं कहे जा सकते, इनके एक एक के डिसीजंस $1 मिलियन को अफेक्ट करता है। तो ये लेवल ऑफ डिसीजंस, इसका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस लेते हैं, और ये किसके बेसिस पर लेते हैं, डेटा के बेसिस पर लेते हैं, और डेटा के बेसिस पर उस इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो यानी कि डेटा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और वो स्ट्रेटेजिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में किसी टाइम पर स्ट्रेटेजिक लेवल ही बचेगा, नीचे का लेवल तो खत्म हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं वो तो खत्म हो जाएंगी। तो पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे, आप कहते थे जी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज की डेट में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तभी होनी चाहिए ना जब आदमी होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे, कई एम्प्लॉयज़ होंगे, जब टोटल शॉप फ्लोर ऑटोमेट होगा, आप जब रोबोट्स देखेंगे तो आप क्या कहोगे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, कहोगे तो वो कहेगा, पूछेगा किसके बीच में होनी चाहिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यहाँ तो आदमी नहीं है पूरे शॉप फ्लोर में, यहाँ तो रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल है वहाँ तो हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं कि मशीन कैसे काम कर रही, क्या चीज़ है, उसके इंटरनल एल्गोरिथम को देख सकते हैं, उसमें इंटरनल बिजनेस रूल्स बने हुए हैं,
कि सारे बिजनेस रूल्स सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं, वो मैनेज कर रहा है सॉफ्टवेयर, उसके बिजनेस रूल्स सही हैं कि नहीं सही हैं, ये आपको देखना होगा। तो यानी कि पैराडाइम शिफ्ट आ गया, चेंजेस आ गए, नए रिस्क आ गए बिजनेस में, मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो गए, सिग्निफिकेंट चेंज हो गए। मतलब आईटी की वजह से क्या है, पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एक मेथड था, लेकिन अब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की जगह लॉग्स आ गए, आपको लॉग्स देखने पड़ेंगे या इंटर्न सॉफ्टवेयर को देखना पड़ेगा। और जब सॉफ्टवेयर को आप देखोगे तो आप, क्योंकि सॉफ्टवेयर इस तरह खुद डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, बेसिकली उसके अंदर बिजनेस रूल्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते सॉफ्टवेयर फ्रॉड कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते सॉफ्टवेयर इनएक्यूरेट है। आदमी है तो आप इंटरनल कंट्रोल देख रहे हो, आप कह रहे हो आदमी इनएक्यूरेट काम तो नहीं करता है, ज़्यादा छुट्टी तो नहीं लेता, अनरिलायबल तो नहीं है। सॉफ्टवेयर में कुछ हद तक अनरिलायबिलिटी आप देख सकते हो कि ये रोबस्ट है कि नहीं सॉफ्टवेयर, अगर एक बार रोबस्ट है तो रिलायबल है, कभी कभी वो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, नो डाउट, कभी कभी इनहेरेंट रिस्क है, कभी कभी वो अचानक स्टॉप हो सकता है, रुक सकता है, तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो रिलायबल है, वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करेगा, वो फ्रॉड नहीं करेगा, वो एरर्स तभी करेगा जब उसमें वायरस आ गया या उसका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, अदरवाइज वो एरर्स भी नहीं करेगा। तो आपका जो प्रस्पेक्टिव है ऑडिट करने का वो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन रिस्क अलग हो गए और रिस्क बढ़ गए, स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिस्क ज़्यादा हो गए, ऑपरेशनल लेवल पर कम हो गए, क्योंकि आप अब ऑपरेशनल लेवल में लोग कम होते चले जा रहे हैं, वो चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं, बच क्या रहा है, स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस बच रहे हैं और स्ट्रेटेजिक लेवल रिस्क बच रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ रिस्क डेंजरस होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर आप ब्लंडर करोगे तो गड़बड़ होता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल ये आर्मी से लिया गया, अगर आर्मी नीचे ऑटोमेट कर दी जाए थोड़ी देर के लिए, US कोशिश कर रहा है बैटल फील्ड में रोबोट जाएँ, तो डिसीजन केवल जनरल लेंगे बगल में बैठ के, तो नीचे के डिसीजंस मायने नहीं रखेंगे, नीचे तो रोबोट्स होंगे, वो अपना काम कर रहे होंगे, वो अपना काम एल्गोरिथम के अनुसार बिल्कुल सही करेंगे, वहाँ पर वो, हम ये नहीं कह सकते हैं इसने बहुत मेहनत की, बहुत बहादुरी दिखाई, सॉफ्टवेयर के साथ ये नहीं कह सकते हैं ये बड़ा कमिटेड है, सॉफ्टवेयर कमिटेड ही होगा, आपको कमिटेड नीचे वाले बंदे कमिटेड ही होंगे, ऊपर जो डिसीजंस होंगे टैक्टिकल लेवल, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर जो डिसीजन होंगे वो लेने पड़ेंगे जनरल्स को केवल, और स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर थोड़ी सी गलती होगी तो ब्लंडर हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो रिस्क बढ़ता जा रहा है, और रिस्क अलग टाइप के रिस्क होते जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क होते जा रहे हैं, तो कंट्रोल की नीड्स भी चेंज होती जा रही है। तो आप मतलब तो पहले क्या होता था, ट्रांजैक्शन में एरर और ओमिशन होते थे, अब क्या है कि सॉफ्टवेयर में एरर एंड ओमिशन हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में अगर एरर और ओमिशन हो गए तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब जो एरर और ओमिशन हैं उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को मैसिव लॉस क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आदमी एक गलती करता था, वो कुछ डालता था, कुछ अगर एंट्री कर रहा है गलती कर सकता था, अब तो हम देखते थे कि ये पर्टिकुलर आदमी गलती करता है, ये 5 आदमी सही है, बिल्कुल फैंटास्टिक काम करते हैं, 10 आदमी सही है, ये एक आदमी गलती करता है, आप उस पर ज़्यादा नज़र रखते थे, और उस वो गलती करता था तो उसके काम को देखते थे, उसको डांटते थे, और क्या कहते हैं उसको रिप्रमांड करते थे, कई बार जॉब से निकाल देते थे, उसके वर्क काम को ज़्यादा सुपरवाइज करते थे, तो वो आदमी गलती कर रहा होता था, जो एक आदमी गलती कर रहा होता था और गलती छोटी होती थी। लेकिन आज क्या है, वो 10 आदमियों का काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, बल्कि 100 आदमियों का काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। सॉफ्टवेयर में कोई एरर और ओमिशन नहीं कर रहा है, उसके पास लॉजिक है, लेकिन लॉजिक में ही एरर और ओमिशन हो तो क्या, तो वो तो पूरा डेटा ही गलत प्रोसेस होगा, तो हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वहाँ सिग्निफिकेंट लॉस होगा। यानी कि जो पहले ऑपरेशनल लेवल में गलती थी, अब स्ट्रेटेजिक लेवल पर आ गई, ऊपर लेवल पर आ गई, उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ गया है, वो ऑपरेशन कर रहा है, नो डाउट ऑपरेशनल कर रहा है, लेकिन जब आप एल्गोरिथम बना रहे हो तो प्लानिंग के थ्रू बनाओगे ना, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के थ्रू बनाओगे ना, वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू बनाओगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक लेवल से आ रही होगी, वो एल्गोरिथम कैसे क्रिएट किया जाए, बिजनेस रूल्स क्या होंगे, तो वो अगर गलती होगी तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एरर और ओमिशंस होंगे नहीं, और होंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे, लॉगरिथम के अंदर होंगे, और होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो उनको उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटराइजेशन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उसके अंदर लॉजिक होता है, तो उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इन अगर उसमें अगर कंट्रोल्स नहीं है, उसमें सही एल्गोरिथम नहीं है, तो बिजनेस डिसीजन गलत हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अब्यूज़ हो गया, मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल हैकर्स आ गए या ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम डला है, ट्रोजन प्रोग्राम डला है अंदर, वो गलत काम कर रहा है, स्लाइसिंग कर रहा है या बाकी और टेक्निक्स यूज़ कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर अब्यूज़ हो रहा है तो वो मैसिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो हमें ये देखना होगा, फाइनली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आईटी के रिस्क वेल मैनेज्ड हैं और आईटी जो है बिजनेस की रिक्वायरमेंट के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड होनी चाहिए, मतलब आईटी फाइन ट्यून्ड होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि बिजनेस को हेल्प करे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ आईटी ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट होने चाहिए, और आईटी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करने चाहिए, उसमें बिजनेस रूल्स ऐसे कॉन्फ़िगर करने चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करें। तो इसके बाद हमारी स्टडी ये बताती कि हमने ट्रेडिशनली आईटी को हमने क्या देखा कि टेक्नोलॉजी की तरह देखा, और ये नहीं देखा कि ये इसका मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस का। लेकिन आज की डेट में क्या है, उसका मैसिव इम्पैक्ट होने लगा है। हमारी स्टडी कहती है कि बिजनेस मैनेजर आज की डेट में भी बिजनेस मैनेजर्स जो हैं वो ये नहीं समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का किस लेवल तक इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सही बात यह है कि बिजनेस मैनेजर समझते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर आईटी बिजनेस में आई तो वो उनको उनके जॉब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए वो जनरली क्या है हेल्प नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प में, आईटी को लगाने की हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि चेंज इससे डरते हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं उनका जॉब ना खा दिया जाए, जॉब ना चली जाए, इस बात से डरते हैं, कई चीज़ के फेयर्स होते हैं। आईटी चीज़ों को जो है स्ट्रीमलाइन कर देती है, आईटी चीज़ों को एफिशिएंट बना देती है, तो चूंकि आईटी चीज़ों को एफिशिएंट बना देती है, स्ट्रीमलाइन कर देती है, ये सारी चीज़ें कर देती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो बिजनेस मैनेजर या तो नहीं समझते हैं, कई बार उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो खुद नहीं चाहते हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट उठते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वही नहीं, वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं बिजनेस को डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में, इम्प्लीमेंट करने में। अगर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेवलप हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हेल्प नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इंट्रिंसिक नॉलेज नहीं होती है उनकी बिजनेस कंट्रोल्स के बारे में या और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। तो अगर कोई डिज़ास्टर और डिस्ट्रप्शन होता है तो उसमें क्या है कि कई बार क्या है टॉप मैनेजमेंट को समझ में नहीं आता है, टॉप मैनेजमेंट ये रियलाइज़ नहीं कर पाता है नेचर क्या होगा इसका, इम्पैक्ट कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है बिजनेस आजकल की डेट में क्या हो रहा है कि बिज़नेस मैनेजमेंट और यूज़र्स को पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल है। एंटरप्राइज वाइड बिजनेस ट्रेनिंग्स हो रही हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आज की डेट में क्या है कि जो जितने भी इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की ज़रूरत पड़ रही है, और इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, और उसके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो वेल इक्विप्ड है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानता है, उसके पास नॉलेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसके पास नॉलेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिस्क की, क्या कौन से रिस्क होंगे, वो रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। तो ये वो हेल्प कर सकता है मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजमेंट का, उनको रिस्क से अवेयर कराने के लिए। सीएस जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके पास उनको पता होता है कि बिजनेस कंट्रोल्स और ऑडिट्स के बारे में उन्हें पता होता है, तो बेसिकली उन्हें अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज दे दी जाए और रिलेटेड कंट्रोल्स की नॉलेज दे दी जाए, तो वो रिक्वायरमेंट फिल आउट कर लेंगे। मतलब बेसिकली वो उनको यही जानना है कि एक पर्टिकुलर एक नया एसेट पैदा हो गया है, और उस एसेट का नाम क्या है, इन्फॉर्मेशन एसेट है, और इन्फॉर्मेशन एसेट ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, और वो इसलिए क्रिएट कर दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया, और फिर उसके बाद आईटी फैसिलिटी क्रिएट कर दी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट हो गया, और ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने क्या है कि नीचे के लेवल मैनेजमेंट के वर्क्स ऑटोमेट करने स्टार्ट कर दिए, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ज़्यादा के ज़्यादा होने लग गए। तो यहाँ पर रिस्क का लेवल बढ़ गया है, कंट्रोल्स डिफरेंट टाइप के मेथोडोलॉजी हो गई है, लेकिन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स सेम है। जो सीए जो है नॉर्मल ऑडिट करता है, उसी तरीके से कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर भी हैं,
लेकिन ये एसेट डिफरेंट हो गया, तो उसने पूरी पैराडाइम चेंज कर दिया। ये सोच ये समझते हुए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर सिस्टम को ऑडिट कर सकता है, और सीए अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस बात की समझ में आ जाए तो वो अच्छी तरीके से एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन सकता है। तो बेसिकली हमारी स्टडी आगे ये बोलती है कि कंट्रोल टेक्निक्स और किस तरीके से कंट्रोल्स का प्लेसमेंट किया जाएगा, किस तरह से कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, वो चेंज हो सकते हैं क्योंकि कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम होंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम होंगे। ट्रेडिशनल कंट्रोल जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ड्यूअल कंट्रोल, एक्यूरेसी वेरीफिकेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल्स में दो आदमी होने चाहिए, दो आदमी हैं तो वो एक दूसरे का कंट्रोल का काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। जैसे एक डेमोक्रेसी में होता है जहाँ पर एक पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन होती है, और एक गवर्नमेंट होती है तो उसके अगेंस्ट आपकी जुडिशरी भी होती है। तो ड्यूअल कंट्रोल्स होते हैं, हर जगह ड्यूअल कंट्रोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आदमी ही गायब कर रहे हैं आप एफिशिएंसी लाने के लिए। एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर दे दे रहा है, तो आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स होने चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल्स लगे होने चाहिए, क्योंकि वो जो काम पहले आदमी करता था वो अब कंप्यूटर कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है, और सॉफ्टवेयर बड़े फास्ट स्पीड से कर रहा है, वो एक्यूरेसी से कर रहा है। तो अगर आपने उसके अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे हैं, तो फिर वो सही तरीके से काम करेगा, सही तरीके से आपको रिजल्ट्स देगा, और फ्रॉड भी नहीं करेगा, एरर भी नहीं करेगा, ओमिशन भी नहीं करेगा, बोर भी नहीं होगा, छुट्टी भी नहीं लेगा, कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होगा, रिलायबिलिटी काम कर रहा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से काम करेगा, और आपसे पैसे बढ़ाने के लिए भी नहीं बोलेगा। तो अगर सॉफ्टवेयर लगेगा तो एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा जो है इनकॉम्पेटेबल ड्यूटीज़ होती हैं, वो सेग्रीगेट की जाती थी पहले, लेकिन ऐसा है कि आज की डेट में क्या है कि इनकॉम्पेटेबल ड्यूटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन कई जगह पर इनकॉम्पेटेबल ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर के लेवल पर आज की डेट में जब सॉफ्टवेयर को आप डिज़ाइन करोगे तो एक बंदा डिज़ाइन कर रहा होगा सॉफ्टवेयर को, और एक बंदा प्रोग्राम कोड्स को लिख रहा होगा, तो दोनों सेग्रीगेटेड होने चाहिए। यानी कि जो डिज़ाइनर है, और वो यहाँ पर ड्यूअल कंट्रोल लग सकता है क्योंकि बेसिकली आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हो, और सॉफ्टवेयर को एक बार डिज़ाइन कर रहे हो, और उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा और सालों साल काम करेगा, और हर साल के एंड में आप उसको अपडेट उसकी मेंटेन करोगे। लेकिन जब आप उसको सॉफ्टवेयर को बना रहे होगे, डिज़ाइन कर रहे होगे, तो प्रोग्रामर अलग होना चाहिए क्योंकि दोनों मिलकर फ्रॉड क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कुछ चेक्स और बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे हमें, लेकिन ऐसा है नीचे चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे वो स्टडी जो है वो डेफिनेशन बताती है, अगला टॉपिक जो है डेफिनेशन ऑफ आईएएस ऑडिट है, यानी आईएएस ऑडिट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली किसी भी ऑडिट का काम क्या होता है, एविडेंस कलेक्ट करना और उस पर ओपिनियन देना। तो रॉन वेबर ने अपनी किताब है, रॉन वेबर एक फेमस राइटर है, उसने अपनी किताब इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल में ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को डिफाइन किया। उसने कहा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं। और किस लिए करते हैं, मतलब इवेल्युएट और कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्यों करेंगे, ताकि ओपिनियन देंगे। किसके रिगार्डिंग ओपिनियन देंगे, हम ओपिनियन कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग देंगे, और ये ओपिनियन वही ये चीज़ें वही हैं जो ट्रेडिशनल ऑडिट में जिसके रिगार्डिंग हम ओपिनियन देते हैं। पहला सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पर थोड़ा हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमें कंप्यूटर सिस्टम एसेट्स को सेफगार्ड करेंगे। क्या कंप्यूटर सिस्टम एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है, और क्या कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को सेफगार्ड कर रहा है। यहाँ पर दो टाइप के एसेट्स हो जाएंगे, एक ट्रेडिशनल एसेट्स और एक डेटा एसेट्स। डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट, डेटा एसेट के पीछे हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटी होगी। तो यानी कि हम एसेट को सेफगार्ड करेंगे जो ट्रेडिशनल एसेट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट है, दोनों को सेफगार्ड करना हमारा यहाँ पर काम होगा। सॉरी, हमारा हम ये देखेंगे कि सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर ओपिनियन देना हमारा काम होगा। डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है ये देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली मीट आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये देखेंगे, और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये देखेंगे। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में होते हैं, और एविडेंस भी हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में गैदर करते हैं, मतलब उसी एविडेंस को इवेल्युएट करते हैं। बस यहाँ पर चेंज क्या आ जाता है, यहाँ पर एक एसेट नया आ जाता है जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसेट।
यानी इंफॉर्मेशन एक नया एसेट के रूप में बन जाता है और वो हाईली वैल्यूएबल हो जाता है। तो एक और डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन हमारी स्टडी बताती है कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को ये कह सकते हैं कि रेंडरिंग ऑफ ओपिनियन। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या करता है, ओपिनियन देता है और कुछ चीज़ों को रिव्यू करता है, इवेल्यूएट करता है, उसके बाद ही ओपिनियन देता है। तो किन चीज़ों को रिव्यू करेगा, इवेल्यूएट करेगा, वो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स को रिव्यू करेगा और इवेल्यूएट करेगा। यानी कि इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को रिव्यू करना और इवेल्यूएट करना और उसके बाद ओपिनियन देना। और कुछ नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेसेस भी होंगी जो इस ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को अफेक्ट कर रही होंगी, यानी कि इन ऑटोमेटेड सिस्टम के दूसरी तरफ आदमी होगा जो इस इन नॉन ऑटोमेटेड होगा और इन ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होगा। तो जो इनके बीच में इंटरफेस हैं उसको भी रिव्यू करेंगे, उसको भी इवेल्यूएट करेंगे और उस पर ओपिनियन देंगे। यही इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का काम है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि ये जो ब्रॉड ओवरव्यू देखती हैं ऑब्जेक्टिव और टास्क की। असल में आईएएस असाइनमेंट जो है आज की डेट में एक स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट है। कई बार ये इंटरनल आदमी करते हैं, कई बार एक्सटर्नल आदमी करते हैं, लेकिन ये है स्पेशली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एसेट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट है। उसको जो सिस्टम सस्टेन कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो उसके पास आइए इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्सपर्टीज़ होनी बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो होता है इसका कई बार डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो होता है इसका डिफरेंट होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको बुला दिया जाएगा, मतलब स्कोप आपका एंगेजमेंट का स्कोप होगा कि इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट करो। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा, ऑडिट के लिए बुलाया जाएगा, टोटल ऑडिट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है रिस्क असेसमेंट के लिए बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर रिस्क चेंज होता जा रहा है और जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बीत जाते थे, पचासों साल बीत जाते थे या डिकेड्स बीत जाते थे, सिस्टम वैसा ही रहता था। एक बार आपने इंटरनल कंट्रोल बना दिया और एम्प्लॉई को अवेयर करा दिया तो रिस्क और सिस्टम वैसा ही रहेगा, सिस्टम वैसे ही रहेगा और रिस्क लेवल वैसे ही रहेगा। लेकिन आज की डेट में 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है कंप्यूटर की, तो रिस्क चेंज हो जाते हैं और हाई रिस्क है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक छोटी सी जगह में रखी जा सकती है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर के अंदर छोटी सी कोडिंग चेंज की कर दी आपने, कोडिंग चेंज करके इनविजिबल कोडिंग चेंज करना है कि इनविजिबल चीज़ चेंज की, आपने कोड्स चेंज कर दिया, वो उतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते और उससे प्रोसेसिंग चेंज हो गई। आपने एक ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम डाल दिया और कंपनी में डिजास्टर क्रिएट कर दिया। तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट रिस्क इवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो कई जगह पर क्या होगा, आप कहोगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में जा रहा हूँ तो आपका स्कोप क्या है? तो यहाँ पर स्कोप चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं लॉग्स की चेकिंग कर रहे हैं, या आप बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम को चेक कर रहे हैं। आप फ्रॉड एंड एरर चेक नहीं कर रहे हैं, आप एल्गोरिथम को चेक कर रहे हैं और एल्गोरिथम से चेक करके आप ओवरऑल फ्रॉड एंड एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरव्यू चेंज हो जाता है।